हे वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्नैक विद टेक, जहां हम हफ्ते भर के लेटेस्ट साइंस और टेक अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई एम रेडी हियर विद अ स्नैक फॉर माय हंगर एंड अ टेक फॉर योर हंगर। तो पहला ही अपडेट एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट है। बिलियनर टेक एंटरप्रेनर इलॉन मस्क के एम्बिशियस स्टारलिंक प्रोजेक्ट को इस हफ्ते एक बहुत ही बड़ा लॉस सहना पड़ा, जब उसका ऑलमोस्ट 40 सैटेलाइट्स डैमेज हो गए थे बाय अ जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म को हम सोलर स्टॉर्म भी कहते हैं। बाबा इलॉन ओन कर रहे कंपनी SpaceX ने 3 फेब को 49 सैटेलाइट्स अर्थ के लोअर ऑर्बिट के तरफ भेजे थे। 49 सैटेलाइट में से 40 सैटेलाइट्स को इस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का शिकार बनना पड़ा। इसमें से कुछ वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुके हैं और कुछ नहीं। जो भी एटमॉस्फेयर में एंटर कर लिया था वो जलकर राख हो चुका है। आई नो दिस इज अ ह्यूज लॉस, मतलब एक पूरा फाल्कन का लोडिंग कैपेसिटी राख में बदल गया। बट ये स्टारलिंग के स्पिरिट को कमजोर नहीं कर पाया। रिपोर्ट्स के अनुसार स्टारलिंग इस साल 2022 में 52 स्पेस लॉन्चेस कंडक्ट करने का टारगेट कर रहे हैं। सो नथिंग इज कमिंग इन बिटवीन इलॉन्स विजन। सेकेंड अपडेट ये है कि सैमसंग ने लॉन्च किया है उनका लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन The Galaxy S22 सीरीज, जो कि एक पावर पैक मॉडल है जिसका S22 अल्ट्रा आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा, 10x ऑप्टिकल जूम, एम्बेडेड एस पेन और सनलाइट रीडेबल डिस्प्ले के साथ आता है। सैमसंग का गैलेक्सी S22 और S22 प्लस आता है विद 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा और 3x का ऑप्टिकल जूम। ये पूरा सीरीज आपको क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन चिपसेट या सैमसंग का अपना एक्सिनोस चिपसेट के साथ मिल जाएगा। दूसरा बेनिफिट है इसके स्क्रीन का हाई रिफ्रेश रेट और ब्राइटनेस, यानी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 1750 निट्स का ब्राइटनेस, जो इसे एक परफेक्ट लग्जरी स्मार्टफोन के स्टैंडर्ड पर सेट कर देता है। और हाँ, ये सैमसंग के नए UI अपडेट के साथ आता है, दैट इज द वन UI 4। अब हमारा नेक्स्ट अपडेट हमारे सभी गेमिंग कम्युनिटी के लिए एक सरप्राइज है। डेल का Alienware ने लॉन्च किया है उनका लेटेस्ट 14 इंच गेमिंग लैपटॉप नेम्ड एज X14, जो उनके प्रीवियस 15 इंच मॉडल X15 का रीमॉडल है। इसमें हाई एफिशिएंट 12 जेन इंटेल प्रोसेसर यूज किया गया है और 2 थंडरबोल्ट पोर्ट्स। इसे 2 प्रोसेसर के साथ कॉन्फिगर किया जा सकता है, 12 जेन के इंटेल कोर i5 प्रोसेसर और 12 जेन के इंटेल i7 प्रोसेसर, जो कि 14 कोर प्रोसेसर है। ये X14 by default RTX 3050 के ग्राफिक्स के साथ आता है, बट इसे अपग्रेड किया जा सकता है टू RTX 3050 Ti या RTX 3060, जो ज़्यादा पावर खाएगा। इसका अच्छा पॉइंट ये है कि इसका बॉडी डिज़ाइन बहुत ही अट्रैक्टिव है, प्लेंटी ऑफ पोर्ट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। ऑल्सो इसके थिकनेस लेवल में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। सो बैड नोट ये है कि 14 इंच के लैपटॉप्स गेमिंग पर्पस के लिए इतने कन्वीनियंट नहीं होते। सो प्लीज आप मुझे बताइए, क्या आप इसे प्रेफर करोगे फॉर योर गेमिंग पर्पसेस? कमेंट डाउन। अब जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है, ये सभी साइंस फिक्शन और DC वर्ल्ड को पसंद करने वाले मेरे भाइयों के लिए। एज अ ट्रू DC फैन, आपको तो पता ही होगा कि बैटमैन का सबसे वैल्यूएबल एसेट क्या है। अरे यार वो नहीं, ये बैटमोबाइल। सच कहूं तो मैं बैटमैन कैरेक्टर से ज्यादा इस बैटमोबाइल को पसंद करता हूं। सो ये ड्रीम को रियलिटी में बनाया है हनोई यूनिवर्सिटी के एक टीम ऑफ इंजीनियर्स और डिजाइनर्स। बिहोल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली फंक्शनल इलेक्ट्रिक बैटमोबाइल। और ये बस ऐसे ही एक शोपीस नहीं है, दिस पीस ऑफ मेटल इज अ फुली ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल व्हीकल, जो कि इवन हाईवे स्पीड्स के लिए भी एलिजिबल है। इसका टॉप स्पीड है 104 किलोमीटर पर आवर। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इन्होंने इसमें एक साइड पैसेंजर सीट भी प्रोवाइड किया है। ऑफ कोर्स हम रॉबिन को कैसे मिस कर सकते हैं। 2018 में एक कंपनी आया था जो कि टाइनी इलेक्ट्रिक कार्स को डिस्प्ले किया था। ये इलेक्ट्रिक कार्स एक सिंगल सीटर से डबल सीटर में कन्वर्ट होता था, लाइक इट वॉज स्ट्रेचेबल। डेनमार्क का IEV मोटर्स ने अपने पुराने मॉडल IEV X को रीमॉडल करके रिलॉन्च किया है उनका लेटेस्ट IEV Z। द व्हीकल हैज 1 kW मोटर जिसका टॉप स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और इसका 3.3 kW का बैटरी 100 किलोमीटर तक का रेंज देता है आफ्टर 3 hours ऑफ चार्जिंग पीरियड। और इसका प्राइस है अराउंड $6,600, यानी करीबन 5 लाख। सो दिस शिट इज ओवर प्राइस्ड, अंडर परफॉर्मिंग और इतना वर्थ भी नहीं है उसके प्राइस रेंज के लिए। मेरा कहना है कि हम इंडिया में इसे और भी बेहतर बना सकते हैं, लाइक बेटर एफिशिएंसी और भी बेहतर प्राइस मॉडल के साथ। इसे एक बार अपने ओला के अंडर दे दो, इससे भी बाप मॉडल बना के दिखाएंगे। सो गाइस, दिस वॉज माई अपडेट फॉर दिस वीक। आई होप यू लाइक इट। इफ यस, प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू एपिसोड ऑफ स्नैक विद टेक, बाय फ्रॉम टेक बाबा।